गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज है स्पेशल ब्रेकफास्ट रूटीन, क्योंकि क्रिसमस वीक चल रहा है और सबसे बड़ी बात अनिका की हॉलीडेज चल रही है, तो घर में यम्मी फूड तो बनना ही चाहिए। तभी तो हॉलीडेज का मज़ा होता है, राइट? तभी तो बच्चे कुछ मेमोरी रखेंगे कि यार हॉलीडेज में मेरी मम्मी कितना यम्मी खाना बनाती थी। तो ये सारी चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है? अगर आप चाहते हैं ना कि आपके बच्चे बड़े होने के बाद भी आपको बिल्कुल ना भूले, तो खाना वो चीज़ है जो उनके पेट से दिल से होकर निकलती है। ये कहावत आपने सुनी है ना? ओके, ये जो मेरा सामान है यहाँ पर बिग बास्केट का सुबह सुबह आ चुका था, तो वो मैंने यहाँ पर रखा है। इन्हें सब धो धा कर मुझे फ्रीज में रखना है। दूध, जूस एंड बहुत सारी वेजीज एंड फ्रूट सब कुछ आ चुका है। और आज यम्मी ब्रेकफास्ट में, जो कि हेल्दी भी होना चाहिए, तो मैं बना रही हूँ इडली और नारियल की चटनी। ये जो ब्रेकफास्ट है मेरे घर का फेवरेट ब्रेकफास्ट है, राज को भी पसंद है, अनिका को भी पसंद है। तो सबसे पहले इडली के बैटर को इडली के सांचे में डालकर इडली बनाएंगे। एंड बाय द वे, मैं रेडीमेड वाला बैटर यूज़ करती हूँ। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं भिगोऊँ चावल और दाल को और फिर पीसूँ और फिर, इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस। सो बेटर है कि जैसा है मिल रहा है। एंड ये जो मैं यूज़ करती हूँ ना, ये 100% नेचुरल है, इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं डाला हुआ है। ओके, पहले कपड़े पहन लो आप। यस, राज के मैं दे दूंगी। देखिए, मतलब अपने चैनल का प्रमोशन करना होता है तो पीछे से आवाज आ जाती है। मैं समझ गई आपकी फीलिंग्स को, बहुत अच्छे से। मैं भी कैमरा घुमा नहीं रही हूँ, नहीं तो आपकी बॉडी दिख जाएगी। ओके, तो मैं भी अभी बनाने जा रही हूँ। बाय द वे, राज की भी रेसिपी जो है चटनी वाली, उसे मैं डिस्क्रिप्शन में आप सभी के लिए मेंशन कर दूंगी। तो चलिए बनाते हैं इडली। घर के अंदर
अंडे सेफली रखने का सबसे अच्छा तरीका होता है कि किचन के ऊपर रख दो, ना टूटेंगे ना कुछ होंगे। वैसे फ्रीज में भी रख सकते हो, पर अंडे मेरे इतने इस्तेमाल हो जाते हैं, मेरे अंडे नहीं मुर्गी के अंडे तो इतने इस्तेमाल हो जाते कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आती है स्टोर करने में मुझे। मैं ऊपर रख देती हूँ और भूल जाती हूँ, जब ज़रूरत होती है तब निकालती हूँ। और इडली मैंने चढ़ा दी है मिक्सर में, मैंने नारियल भी पीस लिया है चटनी के लिए, और एक तरफ कुकर में मैंने अंडे बॉईल होने के लिए रख दिए। जी हाँ, मैं अंडों को बॉईल कुकर में करती हूँ। एक विसल लगा दीजिए, आपकी कुकर में अंडे बहुत नाइसली बॉईल हो जाएंगे। तो चलिए बनाते हैं चटनी। चटनी मैं कैसे बनाती हूँ क्यों ना मैं आपको दिखाऊँ। आज का दिन सच्ची में स्पेशल है, मैं ये बोल सकती हूँ, क्योंकि मिस्टर राज पापा जी ढाबा अपने चैनल के लिए कुछ रेसिपीज बना रहे, तो ऑब्वियसली हमें भी खाने को मिलेगी। नहीं, चावल में धोने जा रही होगी बेबी, छो इसमें डालो सब। चावल गिरा दिया मैडम ने। अभी मैं धनिया लेकर आई हूँ, तो धनिया भी मुझे साफ करना है। तो ये धनिया और
धनिया में एक बेवकूफ़ी बनाई गई है, मैं बताती हूँ। ये धनिया नहीं है, ये धनिया जैसे दिख रहा है पर ये धनिया नहीं है, और ये एक्चुअली ऐसी सब्जी है, मेरे को पता चला है। इसे खाने से लूज़ मोशन हो जाता है। मम्मी ने बताया यार कि ये वाला ये मिक्स करते हैं धनिया के अंदर, सुनो ना, और अगर ये गलती से एक भी चला गया ना लूज़ मोशन लग जाता है। तो ये करते हैं धनिया में वो करने के लिए, और देखो इतना सारा निकला है इसके अंदर। तो यार मतलब धनिया की मैंने गड्डी खरीदी और उसके अंदर इस तरह से फेक धनिया दिया गया जो कि धनिया नहीं है। तो मुझे इसको बहुत केयरफुली साफ़ करना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा केयरफुली। तो बस चावल मैं चढ़ा देती हूँ, बाकी रेसिपीज़ राज बना रहे अपने। अहो मैं डांटूंगी अनीता, देखो सिंसियर लड़की, मैं डांटूंगी। दो, थैंक यू। तो राज पापा ने, अब आप क्या बना रहे हो, आप इंडियन वुमन ड्यूटी पर शेयर करना चाहोगे क्या? मैं बना रहा हूँ गुजराती कढ़ी। ओ माय गॉड, और तवा फ्राई एग। तुम हट जाओ। अनिका ना रोज, अनिका स्कूल में रहती है ना तो बहुत सही रहता है। सुगर मत खराब करो। अभी अभी सारी रेसिपी सेटअप खराब करने में लगी हुई है। मैं फटाक से चावल धो लूं। ओके, तो यम्मी यम्मी खाना खा लिया है और उसके बाद बिग बॉस भी देख लिया है। अब मैं तैयार हो रही हूँ, जा रही हूँ ऑफिस। मैं बहुत रेयर ऑफिस जाती हूँ, और क्वेश्चन एक बहुत आता है कि मैं ऑफिस जो जाती हूँ वो किसका है, मैं किसी ऑफिस में काम करती हूँ या क्या होता है इस ऑफिस में। मैं क्विकली आपको बता दूँ, ये ऑफिस खुद का मेरा है। वहाँ पर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं जो कि हैंडल करते हैं मेरे बहुत सारे यूट्यूब चैनल को और बहुत सारी वेबसाइट्स को। तो वहाँ पर बहुत सारा काम होता है, जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, एडिटिंग का, पोस्टिंग का, कोडिंग का, बहुत सारे काम होते हैं। और मैं जो हूँ यहाँ से वीडियो बना देती हूँ और भेज देती हूँ एडिटिंग के लिए, और मेरी टीम एडिट करके मुझे दे देती है। सो मैं थोड़ा सा कम ऑफिस जाती हूँ, या आप बोल सकते हो कि रेयरली ऑफिस जाती हूँ, क्योंकि मुझे घर से ही इतना ज़्यादा काम हो जाता है, लाइक घर संभालना, बच्चा संभालना, वीडियो बनाना और बहुत सारी मीटिंग्स अटेंड करना। तो मैं ये सारा काम घर से कर लेती हूँ, और मेरे हस्बैंड जो है मैक्सिमम काम जो है ऑफिस का संभाल लेते हैं, तो मुझे ऑफिस हमेशा नहीं जाना पड़ता है। तो आज मैं जा रही हूँ, मुझे कुछ काम है, तो वंस इन अ वीक मैं चली जाती हूँ। तो आज बहुत दिनों के बाद जब जा रही हूँ तो एक बार आपको घुमा दूँ ऑफिस भी, क्योंकि बहुत क्वेश्चन आ रहा था कि हम लोग ऑफिस को मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। तो अभी आप नहीं करोगे क्योंकि मैं जा रही हूँ आपको लेकर। ओके, तो अनिका जो है बहुत 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 दिनों के बाद ऑफिस जा रही है। नहीं, उस दिन नहीं गई थी ना, तो दिवाली में। अच्छा हाँ, दिवाली पर अनिका गई थी, और उससे पहले? उससे पहले आज जा रही हूँ मैं। उससे पहले? उससे पहले, मतलब दिवाली से पहले कब गई थी? नहीं गई थी। अनिका बहुत रेयर ऑफिस जाती, जब अनिका छोटी थी, जब नहीं, जब तुम उसमें थी केटू में थी, तब अनिका रोज मेरे साथ ऑफिस जाती थी, रोज शाम को 5 से 8 या 5 से 7। पर अभी अनिका जब बड़ी हो गई है, उसके पास खुद टाइम नहीं होता है, तो नहीं जा पाती। ओके, तो मेरे ऑफिस में आपको एक चीज मिलेगी, बहुत सारे कुरियर पैकेट्स। जी हाँ, हर रोज़ मेरे पास बहुत सारे कुरियर पैकेट्स आते हैं, और बस ऑफिस बंद करने का टाइम है, तो बस एकदम नॉइस चालू है ऑफिस में। एक्सक्यूज मी गॉड। तो बस सारे इम्पोर्टेंट काम जो है मेरे हो गए हैं क्विकली, ज़्यादा बड़ा काम नहीं था, मुझे एक छोटा सा काम था, वो काम हो गया है मेरा। और बस अभी हम लोग जाएंगे घर। तो कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि मुझे यहाँ पर आना चाहिए, बैठना चाहिए। तुम्हें भी आना है, पूजा शीतल से बात करना है। दीदी। ओके, तो पूजा शीतल मतलब जो हमारे यहाँ पर एडिटिंग का काम करते हैं, उनका नाम भूल रही है ये। और दोनों काफ़ी, मतलब जिस दिन से मेरा ऑफिस चालू है तब से ये दोनों मेरे लिए काम कर रही है। तो अनिका बहुत अच्छे से इन दोनों को जानती है, और जब भी आती है तो इन दोनों से एकदम ऐसे चिपक जाती है। चार लोग करता है,
विशाल प्रीति शीतल पूजा एंड आई एम श्योर आप लोग मुझे बोलेंगे कि अनिका को मैनर्स नहीं है, अनिका नाम से पुकार रही है, पर क्या हो जाता है ना कि हम लोग खुद पूजा शीतल ऐसे बुलाते हैं, हालांकि ये जब उनके साथ रहती है तो ऐसे नाम नहीं लेती है, बट पीछे ऑब्वियसली उन्हें उनका बताने के लिए नाम लेती है, तो प्लीज़ इस चीज़ में गलत मतलब जज करने की ज़रूरत नहीं है। कुछ इस तरह से मेरा ऑफिस दिखता है, तो यहाँ पर सारी सिटिंग अरेंजमेंट क्या टक टक की आवाज़ आ रही थी, कलर कॉम्बिनेशन ये सारी चीज़ें का जो भी कोऑर्डिनेशन है मैंने और राज ने बैठकर किया था। तो इस ऑफिस के साथ हमारी बहुत सारी चीज़ें हैं जुड़ी हुई, कैसे हमने इसे डिज़ाइन किया था, हमने किसी इंटीरियर डिज़ाइनर को नहीं रखा था क्योंकि हमारी इतनी ज़्यादा वो नहीं थी कि हम लोग अफोर्ड कर पाए, तो इस तरह से हमने सब किया है, बट हमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की दी बेस्ट करने की। और मेरा रिकॉर्डिंग रूम दिखाऊँ जहाँ पर मैं ब्यूटीफुल हमेशा हिंदी मराठी के शूट्स करती हूँ, ये देखिए ग्रीन स्क्रीन, सॉफ्ट लाइट और बैठने के लिए अरेंजमेंट, और ये मेरा छोटा सा कैफे एरिया है, यहाँ पर पानी की बॉटल और कॉफ़ी एंड चूड़ा स्नैक्स सब कुछ रखा है, तो ऐसा छोटा सा कैफेटेरिया है। अरे वो कान में डालकर मेडिटेशन करने के लिए था। और चीज़ें दिखाओ, यहाँ पर आपको दो मेरी सिल्वर प्ले बटन दिख रही है, बहुत जल्दी ये दो से तीन में कन्वर्ट होने वाली, मतलब पांच हो जाएंगी। जी हाँ, मेरे पास एक गोल्ड वाली आने वाली है, फिर एक सिल्वर आने वाली है और एक सिल्वर आने वाली है। ये तो रख दो तुम, और वो बॉटल जहाँ पर मेरी और अनिका की पिक्चर है, जी हाँ मेरी ट्वीकर के साथ मेरा एक कोलैबोरेशन हुआ था जहाँ पर उन्होंने मेरी पिक्चर और अनिका की पिक्चर बॉटल पर छापी थी मेरे लिए तो बड़ी मतलब प्राउड वाली फीलिंग है ये। तो चलिए घर चलते हैं अभी। तो आज का लिप शेड अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, कौन सी लिप शेड है आप सभी को पता चल जाएगा। एंड ये मेरा फेवरेट लिप शेड है, करंट फेवरेट। मैक्सिमम टाइम जब भी मुझे मन करता है ना कोई लिप शेड लगाने का तो मैं यही लगाती हूँ, तो लिंक इन द डिस्क्रिप्शन फॉर यू गाइस। तो मैं घर आ चुकी हूँ और घर आते ही राज को एक फ़ोन आया उनके दोस्त का कि वो घर पर आ रहे हैं। आपको याद है जब हम लोग फैजाबाद गए थे तब हम इनके दोस्त के घर पर गए थे जहाँ पर आंवले लगे थे उनके घर में पेड़ पर, तो वहाँ पर आपको याद ही होगा इनका दोस्त, तो वही यहाँ पर आ रहे हैं। वो मुंबई किसी काम से आए थे तो मिल के तो पक्का जाएंगे। और राज ने भी बोला कि मुंबई जब भी आओ तो मेरे से बिना मिले तो जाना नहीं है, तो बस उनके दोस्त कुछ ही देर में घर पर आएंगे। और मैंने अभी अभी थोड़ा सा अरेंजमेंट किया है, जैसे कि कोई आता है तो थोड़ा हम अरेंजमेंट तो करते हैं ना, आफ्टर ऑल यही मतलब होता है हर घर में, तो वो सारी चीज़ें की। और आपको वो हॉकिंस फ्यूचरा का एडवर्टाइजमेंट याद है, इनके दोस्त घर पर आए बिना बताए, फरमाइश गाजर का हलवा, गाजर का हलवा तैयार है 30 मिनट्स में, इसमें हलवा चलाना है बहुत आसान है, पता नहीं क्या क्या था। तो जब भी इनके दोस्त घर पर आते हैं ना मुझे ये वाली एडवर्टाइजमेंट आती है, याद आ जाती है। मैं जब छोटी थी ना तो ये वाली एडवर्टाइजमेंट टीवी पर आती थी कि इनके दोस्त आए घर पर बिना बताए, फरमाइश गाजर का हलवा और वो जो लेडी है ना बहुत सही मतलब एक्टिंग करती थी, और सबसे लास्ट में वो जो मेहमान आते थे वो क्या बोलते थे, भाभी कमाल कर दी तो कुछ कुछ एडवर्टाइजमेंट आया, मुझे भी पता है कि ये मुझे भी पता है ये तुमको भी पता है, तुमको टिकटॉक से पता होगा क्योंकि टिकटॉक में ये एडवर्टाइजमेंट का वो किया जाता है, पर मुझे ये बचपन से एडवर्टाइजमेंट पता है, तो ये वाली एडवर्टाइजमेंट मतलब स्टक है मेरे माइंड में। टिकटॉक में वो भी आता है, माँ टंकी खाली है, माँ टंकी खाली है, नहीं पता, माँ टंकी खाली है, ये इनको तो मुझे भी नहीं आता, तुम्हें भी नहीं आता, बस ऐसे ही कूदती रहती है अनिका। तो बस इस व्लॉग को मैं आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी क्योंकि थोड़ा थक गई हूँ। आज खाने में क्या है मामा, क्या चाहिए बताओ, इस छोटे छोटे भूख को हटाओ ना,
नहीं बताए बताए नॉट हॉट एंड सूप सूप तैयार है ना कुछ तो है यार ओके तो बस आज सुबह से ही काफ़ी शेड्यूल मेरा हल्का सा टाइट था बट मैंने कोशिश की और दोपहर में तो यम्मी खाना बनाई अभी मैं जाकर यम्मी खाना ही बनाऊंगी क्योंकि आफ्टर ऑल राज का मतलब वो होता है मतलब आपने देखा होगा कब दोस्त के मतलब हस्बैंड के दोस्त घर पर आते हैं तो हस्बैंड चाहते हैं ना कि यम्मी फूड बने तो वही घर में माहौल है तो बस मैं बैक टू किचन करूँगी तो मेरे लिए इम्पॉसिबल हो जाएगा व्लॉग करना क्योंकि आप सभी को पता है कि व्लॉगिंग एंड कुकिंग एंड एवरीथिंग हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है ओके तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं पर ख़त्म करती हूँ कल है क्रिसमस तो क्रिसमस है क्रिसमस के लिए कुछ खास तैयारी नहीं है पर मैंने सोचा था कि मैं केक बनाऊंगी पर मुझे लगता है कि मैं केक भी हाँ, नहीं तैयारी की है हाँ क्रिसमस ट्री लगाई है पर मुझे नहीं पता है कि क्रिसमस कैसे सेलिब्रेट करते क्या Christmas. पता इतना ही पता है कि प्लम केक खाते हैं और डेकोरेशन करते हैं मिलते हैं पार्टी वगैरह बट मैं कल प्लम केक भी नहीं खा सकती क्योंकि कल मंगलवार है मंगलवार को हम लोग एग या नॉनवेज नहीं खाते तो शायद मुझे एगलेस केक बनाना पड़ेगा तो मैं कोशिश करूँगी एगलेस केक बनाकर चॉकलेट केक में भी मैंने एग डाला था तो देखते हैं अगर बन गया तो बना दूँगी कोई बड़ी बात तो है नहीं मतलब बट कल तो केक बनना ही बनना है बनना ही बनना है मैं आपको बता दूँ अभी बता दू कि सेलिब्रेट कैसे करते हैं हाँ जैसे ब्लॉग खत्म हो जाएगा वैसे बता देना ठीक है okay. और अगर आपको लाइक करना है तो सबसे पहले किरण जी को ऐसे कर दीजिए ऐसा नहीं करना बस नीचे लाइक की बटन है उस पर क्लिक कर देना है बस ओके ऐसा कुछ नहीं करना अगर आप लाइक करोगे तो ही मैं इनको बहुत सारे खिस्सी दूंगी देख लो आपको क्या चाहिए तो चलिए फिर और कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी इस ब्लॉग को यहीं पर ख़त्म करती हूँ आई नहीं होगा और हाँ और एक चीज़ मुझे चलिए मैं कल के चीज़ में शेयर करूँगी